हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आशीष क्लासेस पीसीबी। बच्चों, आज के लेक्चर में हम पढ़ने जा रहे हैं, बेसिकली टॉपिक है हमारा हाइमेन। हाइमेन बेसिकली किस में पाया जाता है? तो हाइमेन हमारा जो होता है, हाइमेन फीमेल्स में पाया जाता है। तो हाइमेन कैसे कैसे टूटता है, इन सभी चीज़ों के बारे में आज हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम अपने टॉपिक की बात करते हैं। बच्चों, हमारा टॉपिक है आज हाइमेन। हाइमेन को हिंदी में बोलते हैं बच्चों, क्या बोलते हैं? सील बोलते हैं, ठीक। तो हाइमेन की बात करते हैं। तो हाइमेन फीमेल्स में पाया जाता है, और फीमेल्स में एक बहुत ही पतली सी परत होती है जिसे हम लोग हाइमेन कहते हैं। कहाँ पे पाया जाता है? तो आइए हम सबसे पहले इस डायग्राम के थ्रू समझेंगे। यहाँ पर ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का डायग्राम है बच्चों, और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो जैसे ऊपर यहाँ पर क्या होता है कि यूरेथ्रल ओपनिंग होती है। यूरेथ्रल ओपनिंग का मतलब मूत्र मार्ग जिसे बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ से क्या होता है, फीमेल्स में यूरिन बाहर की ओर आता है। उसी के नीचे आप देखेंगे यहाँ पर ये जो स्ट्रक्चर दिया गया है, इसको बोलते हैं वजाइनल ओपनिंग। वजाइनल ओपनिंग यानी वजाइना का जो पार्ट फीमेल्स में ओपन होता है उसे बोलते हैं वजाइनल ओपनिंग। और इसी वजाइनल ओपनिंग के अंदर यहाँ पर इसके अंदर क्या होता है, एक पतला सा, बहुत ही पतली सी लेयर पाई जाती है जिसे बच्चों बोलते हैं हाइमेन। और उसी हाइमेन के बारे में आज के इस लेक्चर में हमें पढ़ना है। तो बेसिकली हम बात करते हैं, यहाँ पर हाइमेन पाई जाती फीमेल्स में। अब वो ब्रेक कैसे होती है, यानी हाइमेन टूटती कैसे, या फिर उसको हिंदी में बोलें सील कैसे टूटती है, ठीक। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बच्चों, जब कोई कोई भी लड़की 1 to 8 ईयर की होती है, यानी जब कोई फीमेल या कोई लड़की क्या होगी 1 से 8 साल की होगी, तो उस कंडीशन में उसकी जो हाइमेन होगी वो पूरी तरीके से कवर होती है। मतलब उसमें सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर आपको यूरेथ्रल ओपनिंग देखने को मिलेगी। यूरेथ्रल ओपनिंग का मतलब उसमें केवल क्या होता है, मूत्र मार्ग होता है, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे, मूत्र मार्ग होता है। और बाकी का जो ये एरिया होता है ये सब कवर होता है, मतलब पूरी तरीके से एक पतली पन्नी से कवर होता है। जो पतली पन्नी होती वही होती है हाइमेन यहाँ पर। और यहाँ पर इस स्टेज में जो हाइमेन होती है उसको बोलते हैं इम्परफोरेट हाइमेन। क्या बोलेंगे, इम्परफोरेट हाइमेन। यहाँ पर पूरी तरीके से, यानी जब कोई लड़की 1 से 8 साल की होगी तो उसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही यहाँ पर ओपनिंग पार्ट होगा जिससे यूरिन बाहर आएगा, मूत्र मार्ग होगा, ठीक है। बाकी पूरा यहाँ पर क्या होगा, एक पतली पन्नी से ढका होगा, यानी यहाँ पर हाइमेन ब्रेक नहीं होती, यहाँ पर हाइमेन नहीं टूटती। फिर उसके बाद बच्चों चलते हैं, जैसे जैसे लड़की क्या होती, कोई फीमेल कोई लड़की क्या होगी 9 से 14 साल की होगी, ठीक है। तो वहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर हाइमेन में एक छोटा सा छेद हो जाता है, ठीक। हाइमेन में क्या होता है, एक छोटा सा छेद हो जाता है, तो इसे बोलते हैं हम लोग एनुलर हाइमेन। क्या बोलेंगे बच्चों, यहाँ पर इसको हम क्या बोलेंगे, एनुलर हाइमेन, ठीक। आगे देखो, उसके बाद में फिर क्या होता है कि जैसे जैसे कोई लड़की क्या होगी 15 से 16 साल की होगी, है ना, 15 से 16 साल की होगी, मतलब हाइमेन यहाँ पर, जैसे ही हाइमेन टूटेगी, और यहाँ से हाइमेन में क्या होता है, यहीं से जो ब्लीडिंग होती है, जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है, वो यहीं से ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है। ये स्टेज हमारी हो जाती है 14 ईयर की, जब कोई फीमेल हो जाती तो उसकी क्या होती है, प्यूबर्टी एज स्टार्ट हो जाती है। उसके बाद जैसे जैसे क्या होगा, लड़की कोई 15 से 16 साल की होगी तो वहाँ पर क्या होगा, वहाँ पर जो हाइमेन होगी वो 2 पार्ट में सेपरेट हो जाएगी। कुछ इस तरीके से हाइमेन हो जाती है, ठीक, जिसको हम लोग बोलते हैं सेप्टेट हाइमेन। यानी यहाँ पर सेप्टेट हो जाती है हाइमेन, 2 पार्ट में डिवाइड हो रही है जैसा कि आप देख रहे हैं, तो इसको बोलते हैं सेप्टेट हाइमेन। फिर उसके बाद में जैसे क्या होता है बच्चों, अगर कोई फीमेल 17 to 18 ईयर हो रही है तो उसमें क्या होता है, हाइमेन पर कुछ ऐसे इस तरीके के छेद हो जाते हैं, इस तरीके के छेद हो जाते हैं, कब, जब ये कोई भी लड़की 17 से 18 साल की होगी, जिसको हम लोग बोलते हैं क्रीमी फॉर्म हाइमेन, ठीक। इसको क्या बोलेंगे, क्रीमी फॉर्म हाइमेन। और फिर लास्ट में जैसे ही क्या होता है कि 20 से 20 ईयर की, अगर कोई 20 से 22 साल की कोई लड़की होती है तो उसकी हाइमेन पूरी तरीके से ब्रेक हो जाती है, इस तरीके से पूरी ब्रेक हो जाएगी, और इसे बोलेंगे पोरस इंट्रोटियस हाइमेन, ठीक है। हाइमेन बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है फीमेल्स में। तो आपने आज के लेक्चर में समझा होगा कि हाइमेन कैसे कैसे ब्रेक होती है एक उम्र के बाद, यानी जैसे जैसे फीमेल की किसी भी लड़की की एज बढ़ती जाती है तो उसमें हाइमेन का ब्रेक कैसे होता है, यानी हाइमेन कैसे टूटती है ना। तो ये चीज़ें आपने समझ ली होगी, ठीक है। तो आज के लेक्चर में इतना ही। थैंक यू फॉर दिस क्लास।